नमस्कार, सुरागी लाल न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर संधू। चलिए एक नजर डालते हैं काशीपुर की खबरों पर। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। एसओजी टीम ने दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। महिला ने पूर्व प्रधानाचार्य पर अश्लील हरकत करने व दुष्कर्म करने के लगाए गंभीर आरोप। एसओजी टीम ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। थाना आईटीआई पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कुंडेश्वरी चौकी पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। प्रतापपुर चौकी पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एनएच द्वारा गड्ढों की मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा सभी चौराहों पर पानी छिड़काव किया जा रहा है। अब खबरें विस्तार से। कृषि मंडी गेस्ट हाउस में काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने जल निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग सहित समस्त लगभग 19 विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी गणों ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि इससे पूर्व हुई समीक्षा बैठक में जो कार्य लंबित हो गए थे उनको पूर्ण कराने के विभागीय अधिकारियों को विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने निर्देश दिए। साथ ही उप जिला अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि यातायात व्यवस्था और नगर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। एसपी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि सीपीओ और यातायात पुलिस को नगर क्षेत्र में लगाया गया है। जल्द ही यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। ये वेल्डर इस प्रकार की मीटिंग हम लगभग 3 महीने में एक बार मीटिंग लेते हैं। इस मीटिंग में सब विभागों के उच्च पदाधिकारी आते हैं और उनसे अपने अपने विभाग के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति जानकारी ली जाती है जी। विकास प्रॉपर वे में हो, तेजी से हो, इसके लिए हर एक अधिकारी को ये कहा जाता है कि भाई अपने अपने काम को देखो और आगे बढ़ो। कोई भी फाइल ठंडे पत्ते में नहीं रहनी चाहिए जी। काम के लिए फाइलें आगे बढ़ें तो काम एक से दूसरे अफसर को जाए, तब काम आगे बढ़े। इस बार थोड़ी सी इस मीटिंग में कमी रही है कि कुछ बड़े अधिकारियों ने अपने छोटे अधिकारियों को भेज दिया, जिससे जो जानकारी हम लेना चाहते थे उनसे वो जानकारी पूरी नहीं मिल सकती। इस वजह से उन अफसरों को अगली मीटिंग, होने वाली मीटिंग में बुलाया जाएगा। और अगली मीटिंग जो है, क्योंकि सारे अफसरों के साथ आज बातचीत नहीं हो पाई, समय 2 बज चुके हैं, इसलिए जितने विभाग रह गए हैं उनको अगली मीटिंग में आवश्यक के तौर पर बुलाया जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि काम तो हो रहे हैं काशीपुर में, लेकिन जिस तेजी से होने चाहिए उस तेजी से अभी नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए कुछ हमें ये विशेष तौर पर ये जो मीटिंग की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि इनकी प्रोग्रेस का हमें पता लगता है कि क्या प्रोग्रेस है। विधायक जी मेरे साथ बैठ करके बहुत सारे क्वेश्चन वही करते हैं, सारे वो सब देखते हैं। मैं तो क्योंकि ऑफिस में कभी कभी बैठ जाता हूँ तो इसलिए बुलाने का काम मैं कर लेता हूँ कि मीटिंग बुलाने। बाकी जो भी काम यहाँ पर करते हैं या क्वेश्चन उठाते हैं या उनकी बात सुनते हैं या भविष्य के लिए वो बात करते हैं वो यहाँ पर हमारे समाज जी त्रिलोक सिंह चीमा जी करते हैं। तो आप बताना चाहूँगा कि काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में ये हर 3 महीने पर एक बैठक होती है, तो उसी के क्रम में इस बार भी बैठक रखी गई है और इसमें 19 डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित हैं और मेन जो बिंदु आए इसमें यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को लेके जो रुके हुए काम है या जो अंडर कंस्ट्रक्शन काम है उसकी भी क्या प्रगति है उसकी भी समीक्षा की जा रही है और मेन समस्याएं जो आई हमारी आरओबी की है उसको समय अंतर्गत हमें पूरा कराना है। जैसा कि आपको पता होगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 105 दिन का समय दिया गया है जो बाजपुर की तरफ जो आरओबी बन रहा है,
तो वो भी काम हमारा समय पे चल रहा है और उसको जल्द पूरा करा लेंगे। और आने वाले समय में चैती मेला भी होना है, तो इस वजह से भी काम, और जो कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या आ सकती है, तो ऐसे चौराहे और तिराहे भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे अतिक्रमण हटाया जाएगा। और आज के जो बैठक में जो भी निर्देश दिए जाएंगे माननीय विधायक जी के द्वारा, और जो भी काम चल रहे हैं उनको समय अंतर्गत पूरा कराया जाएगा। विधायक काशीपुर आज एक मीटिंग आयोजित की गई है जिसमें सभी विभागों के जो पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं उनको बुलाया गया है, और सड़क से लेकर के अन्य जितनी भी समस्याएं हैं, पुलिस रिलेटेड जो इशू हैं, माननीय विधायक जी के द्वारा सब फीडबैक लिया गया। इसके अलावा जो आम जन के द्वारा एक जो जनरल परसेप्शन है या जो चीज़ें हैं लोगों के द्वारा आकर के वहाँ पर निवेदन किया गया, फिर सर के द्वारा मार्क भी किए जाते हैं, तो उसमें भी प्रोग्रेस लिया जाता है कि किसमें क्या क्या कार्रवाई होती है। जरूरी है आम जन के द्वारा जो भी फीडबैक है, आम जन की जो भी दिक्कतें सिखाते हैं, इस तरह की मीटिंगों के माध्यम से बैठ करके वो हमारे भी संज्ञान में आती है और उसको हम तत्काल उसका समाधान का प्रयास करते हैं। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों एवं अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान के तहत काशीपुर एसओजी टीम द्वारा दो अभियुक्त को आईटीआई थाना क्षेत्र ग्राम हिम्मतपुर से गिरफ्तार किया और साथ ही उनके कब्जे से 1.816 किलोग्राम अवैध गांजा और एक तमंचा भी बरामद किया। साथ ही एक युवक मौके से फरार हो गया और उसकी तलाशी जारी है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना आईटीआई में एनडीपीएस एक्ट और शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। ये इस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा यह अभियान चलाया गया है जिस पर कार्रवाई करते हुए हम लोग गश्त में थे। गश्त में हमें एक संदिग्ध वाहन दिखा जिसके हमने पीछा किया। पीछा करने में जब हमारे द्वारा वहां पकड़ा गया तो दो तीन अभियुक्त थे जिसमें से एक मौके से भाग गया था। दो अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया, उनके पास से गांजा और अवैध तमंचा बरामद हुआ था। पूछताछ में यह मालूम हुआ था कि ये जो गांजा है ये लोग पहाड़ से खरीद के लाते हैं और यहाँ पर जो नशेड़ी और विक्रेता हैं उनको छोटे 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 पैकेटों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बेट तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में एसआरएस मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर, तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। गोविंद बल्लभ पंत इंटरमीडिएट कॉलेज प्रकरण में अब एक नया मोड़ सामने आया है। प्रबंधन और पूर्व प्रधानाचार्य के बीच चल रहे विवाद में महिला के गंभीर आरोपों ने सनसनी मचा दी है। कॉलेज की चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी ने प्रधानाचार्य पर अश्लील हरकत करने में दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी है और आरोपी प्रधानाचार्य के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गुहार लगाई है। वही सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि प्रार्थना पत्र में महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का आरोप है कि पूर्व प्रधानाचार्य अक्सर उसके साथ अश्लील व्यवहार करते थे। उन्होंने बताया इस घटना में महिला द्वारा किए गए प्रार्थना पत्र में किस विशेष दिन या समय नहीं बताया गया है, इसलिए इस मामले को जांच तलब किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच कर साक्ष्यों को संकलित किया जाएगा और अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। काशीपुर में एक इंटर कॉलेज में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला ने एक पूर्व प्रधानाचार्य पर आरोप लगाए हैं। कुछ छेड़छाड़ के और कुछ मिसबिहेवियर के और कुछ गलत नियत रखने के आरोप हैं। अभी तहरीर इसमें हमें मिली है, इसमें हम विस्तृत जांच करवाएंगे और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए मुकदमा पंजीकृत तभी किया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध क्रियाकलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एसओजी टीम ने एक अभियुक्त को संदिग्ध चेकिंग के दौरान पंजाबी सराय से गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से एक सट्टा डायरी, 1,650 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। अभियुक्त के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। देखिए जुआ सट्टा शराब जो भी थाना क्षेत्रों में सक्रिय है, चौकी क्षेत्रों में सक्रिय अपराधी हैं, इन सब की हमने लिस्टिंग करी है। इसके अलावा जो नए सक्रिय हैं उनकी भी लिस्टिंग की है
लगातार इनके विरुद्ध अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल हमारी एसओजी टीम को सफलता मिली। एक राबिन नाम का लड़का, इसके काफ़ी दिन से शिकायतें मिल रही थी कि बांसपुरान क्षेत्र में ये सट्टे का खाई बाई कर रहा है, इसी में कल एसओजी टीम को इसको पकड़ने में सफलता मिली है। इसके जो पुराने मुकदमे हैं उनको भी हम क्लब कर रहे हैं, और जो भी इस तरीके के क्रिमिनल हैं जो कि एक्टिव हैं और समाज में व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, इन सब पे हम अगेंस्ट भी कार्रवाई करेंगे, गुंडा की कार्रवाई करेंगे। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में आईटीआई थाना पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को ग्राम छोटे बरखेड़ी से गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से 64 पाउच अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब की रोकथाम हेतु अभियान में कुंडेश्वरी चौकी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को ग्राम गुलजारपुर से गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से 60 लीटर अवैध शराब बरामद की और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध शस्त्रों की रोकथाम हेतु अभियान में प्रतापपुर चौकी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को प्रतापपुर गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया, साथ ही उसके कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू भी बरामद किया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। रामनगर हाईवे रोड पर एनएच द्वारा हाईवे की मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि रामनगर रोड पर अधिक गड्ढे होने के कारण लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण एनएच द्वारा हर गड्ढों को मेंटेन कर उन्हें भरा जा रहा है। काशीपुर नगर निगम द्वारा क्षेत्र में हर चौराहे पर पानी से छिड़काव किया जा रहा है, जिस दौरान महाराणा प्रताप चौक, स्टेडियम तिराहे और चेती चौराहा पर लगातार शाम को पानी का छिड़काव किया जाता है और आगे भी जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।